Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रिसेंट हॉल्स हैं इंस्टाग्राम सेलर्स से मैंने परचेज किए हैं. दे आर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड AOA. दे बोथ आर अफोर्डेबल ब्रांड्स. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नायका से परचेज किए हैं, सम हेयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स, और मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम मिनी सू जो मैंने पर्सनली जाके परचेज किए हैं. आई मीन इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी, फर्स्ट इंप्रेशन भी दूंगी, प्लस उनका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी. ऑफ कोर्स फुल फेस मेकअप नहीं है ये, सो जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं वो मैं यूज़ करूंगी एप्लीकेशन के लिए और आपको फर्स्ट इंप्रेशन दूंगी. सो दिस वीडियो इज़ लाइक फर्स्ट इंप्रेशन हॉल एंड अ क्विक ट्यूटोरियल. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मिरर, मिनी सू mirror. It's like 190 rupees only and it's a cardboard packaging, and when you open it you can see a huge mirror like so. So this is a perfect mirror and now I'm going to shoot everything and do makeup through this mirror, and it's really handy. You can use it like this. ऐसे ये stand भी बन जाएगा और आप इसको ऐसे use कर सकते हैं, और मैं इसको अपने table पे आप सामने रखें उसके बाद ही अपना makeup करूँगी. So this is like 190 is really really cheap. So the best thing about Miniso is like you can grab so many interesting things जो usual stores पर आपको नहीं मिलेंगी या expensive होंगी. So purchase किया है ताकि मैं क्लोज अप मेकअप कर सकूँ. लाइक आई नीड समथिंग टू लुक रियली क्लोज एंड क्लियर सो दैट आई कैन सिट फार फ्रॉम द कैमरा. लूंगी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम Miniso एंड दीज आर दीज टू स्पंजेस. वन इज 230 एंड दिस इज 200. सो लेट मी शो यू. दे आर कॉल्ड मेकअप स्पंजेस और मिंट कलर एंड इट्स ट्राइंगुलर शेप्ड, और जैसे इट्स रियली सॉफ्ट, आई कैन फील इट्स रियली. और दूसरी वाली जो है वो पर्पल कलर की है, इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली द टीयर शेप वन, थोड़े डिफरेंट है, पॉइंटेड है, बट इसका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है. सो वी हैव टू चेक आउट विच वन इज़ लाइक द परफेक्ट वन फॉर द फाउंडेशन. और अभी मैंने फेस पे अप्लाई किया है अपना कंसीलर जस्ट टू कंसील दीज जाइगेंटिक एक्ने एंड लुक slightly better. So let's try this sponge first. Oh no, let's try this one. ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है. I don't think double size की हुई है ये. This is it. Squishy. Let's try. बहुत टाइम से मैंने यूज़ भी नहीं किया है LA Girls का Pro Matte Foundation. This is really really matte and really full coverage foundation if you are looking for something similar. And sometimes you can totally skip powder and just use it directly. So let's try this foundation. I'm using shade Bisque. और ये foundation बहुत जल्दी dry होता है, so I have to be really quick. So this is the foundation and I'm going to apply some on the sponge and see. Oh my gosh, it is covering a larger area because the base is quite large. और blending भी बहुत fast हो रही है इससे. और ये foundation आपको बहुत ज़्यादा apply करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका coverage भी high है और ये अच्छे से spread हो जाता है. But all you have to do is just work fast, right? And oh my god, like बहुत ही जल्दी इसने बहुत बड़ा surface cover किया है. And I don't have to like go back and forth. It's really working really fast and I'm actually liking it at this point. And now I'm going to apply rest of the foundation on my neck. So as you can see, my base is really really nice, smooth. And I actually love this sponge. But the only thing is that I can only use this product for foundation. अगर मैं blush या कुछ और सोचूं लगाने का, I think उसके लिए ये
काफी बड़ा है. लाइक दिस पार्ट इज लाइक आई कैन नॉट इमेजिन यूजिंग इट अंडर माई आईज. लाइक आई एम डन विद द फाउंडेशन इन लेस देन अ मिनट. आई हाईली रिकमेंड दिस स्पंज. इट्स रियली रियली नाइस. And when I'm looking close into the camera, my face is looking really smooth and balanced. And I can obviously make another layer if I want more coverage, but I think it's really enough for me. Like, I kind of like base to be semi-matte and not full coverage, because that way my skin looks like skin and less like makeup-y. तो फॉर मी इट्स परफेक्ट. इसको मैं सोक करती हूँ एंड लेट्स सी. एंड बिकॉज इसका प्राइस जो है वो डिफरेंट है. दिस वन इज एक्सपेंसिव. लाइक इट्स लाइक 230 एंड द प्रीवियस वन जिससे मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है वो है 200 की. सो आई गेस उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा क्वालिटी में एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर क्वालिटी एंड बेटर एप्लीकेशन. एंड ये वेट होने के बाद इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है. लाइक ऑलमोस्ट डबल इन साइज एज यू कैन सी. And it's ready to use. और क्योंकि इसके edges हैं so it's like more comfortable to work in areas like under eyes. I at least prefer such sponges with sharp edges instead of these point which I think मेरे लिए ज़्यादा useful नहीं होते. so but anyway today I'm going to be using Catrice foundation and I'm going to apply here. एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने उससे पहले अंडर आई में क्या लगाया था. आई हैव यूज्ड बेका अंडर आई ब्राइटनिंग करेक्टर इन द शेड लाइट टू मीडियम विच इज माई स्टेपल एंड मस्ट हैव टू करेक्ट एंड ब्राइटन माई अंडर आईज. सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दिस. एंड वंस अगेन दिस इज ऑल्सो वर्किंग रियली फास्ट एंड बूम it's done. It's really nice. Like you have literally so many edges to work with. It's so big, but other than that blending bahut quick hai iske sath and I'm like almost done. But the problem is ke bahut inner corner pe it's not going there. So let's try more कंसीलर. यूजुअली इस कंसीलर में अगर मैं अपने कोई और स्पंज यूज़ की होती तो अब तक ये इनफ होता, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा सोक कर रहा है विच इज़ फाइन. लाइक इट्स ओके. समटाइम्स आई हैव टू गो वन मोर टाइम टू सोक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. सो दिस इज डूइंग इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो इट्स फाइन. दिस वे like if I'm trying to push like this it's going right on the inner corner and blending it really well. So boom, it's working. Really soon se maine purchase kiye hain ye razor. These are 190 rupees and they are like 10 razors. Woman's blade razor and they are like disposable one but you can use each of them at least 3 times before throwing it. So they are really great to travel with. And along with that maine purchase kiya hai these eyebrow razors. Like I'm a huge fan of flamingo razors lekin abhi wo kahin online available nahi hai. Miniso mein I have found these so I thought let's try. They are only 2 pieces for 150 rupees. But I'm quite hope मैंने ये headphones भी purchase किए हैं. These are similar to iPhone ones and white color and very decent and the quality is nice. ये मेरा I think third purchase है same headphones. दो इसके prices बढ़ गए हैं. Now they are like 335 something and previously it was 290 only. These kind of headphones with As you can see, जिनकी टिप्स ऐसी होती है दे आर मोर कम्फर्टेबल. और अगर आप उनको लेट कर सुन रहे हैं तो दे वॉन्ट हर्ट योर ईयर्स. और कभी कभी एयर भी ट्रैप हो जाती है उन हेडफोन्स में. बट दीज आर रियली नाइस. अब बात करते हैं थोड़ी सी बीच में नायका की परचेज की.
let's talk about this Garnier micellar water, which is one of the best and affordable available in India right now. इसकी तो at least मैंने 7 bottles already finish कर चुकी हैं. अभी अपना makeup cleansing balm से remove करती हूँ. ये मुझे कभी कभी चाहिए होता है. Other than that, if you are looking for some waterproof makeup remover, this is one of the best available in the market. So this is like my staple. Next is this L'Oreal smooth intense serum. This is actually very 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 good and comparable to Wella Shine something, which is this one from Wella. I'm not saying ke Wella wala acha nahi, it's really 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 good. Aur ye extra shine definitely aapke baalon mein add karta hai, but price you can definitely grab this one. अराउंड 1000 रुपीज़ का होगा और ये है सिर्फ 250 का. और यूजुअली ये डिस्काउंट में होता है, मुझे आई थिंक 180 समथिंग का पड़ा है एट नाई का. बहुत सस्ता ऑप्शन है आपके पास अगर आपको कोई हेयर सीरम चाहिए हो, बिकॉज अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट किया है, आपने हेयर कलरिंग की है बालों पे कैरेटीन, या आपने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करवाई है, या आप कर्लिंग बहुत करते हैं, तो आपके बाल ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और फिर आपको ज़रूर ऐड करना पड़ता है कोई स्मूथनिंग सीरम वगैरह, ताकि आपके बाल मैनेजेबल हों और लाइक फ्रीजी ना रहें. लाइक राइट नाउ माय हेयर्स आर रियली फ्रीजी क्योंकि मैंने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया है और अभी तक इसकी पैकेजिंग भी नहीं खोली है. माय प्रीवियस वन इज़ लाइक ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑल्सो फ्रॉम मिनीसू एज यू कैन सी. इसके अलावा जितने भी ऑप्शन वहाँ अवेलेबल थे उनका जो कर्ल था वो शॉर्ट था, सो ये सबसे एक्सपेंसिव था और इसका कर्ल भी ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए मैंने ये पिक किया है. एंड दिस इज़ द पैकेजिंग, दिस इज़ द कर्ल. तो जो ये कर्ल होता है लाइक दिस शेप, क्योंकि मेरी राउंड आईज हैं, आई नीड दिस राउंड टू बी मोर राउंडेड एंड लाइक थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कर्वी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब मैं अपनी लैशेस कर्ल करूं एंड बिकॉज आई हैव राउंड आईज, ये सारी आई लैशेस को एक ही बार ग्रैब कर ले और आई कैन जस्ट मेक देम कर्ली इन जस्ट वन स्ट्रोक. सो दिस इज ₹230 ओनली. एंड इसके साथ एक स्पेयर रबर आया, इन केस ये रबर ख़राब हो जाए इसका, यू कैन replace it and use it forever. From AOA company, और मैंने इसे Instagram seller से purchase किया था. This is also very affordable. This is like I think it's 250 or 230 this bro pencil, and this is also like 350 something, I'm not sure, but Instagram seller से मैंने purchase किया है. This is all from US. The color and everything is perfect. In fact, मैं इसको कई बार use भी कर चुकी हूँ, but I'm including in this video in case you are not following me on Instagram, because these are the great options if you are looking for a perfect and affordable brow pencil. So brow pencil तो मैं use नहीं करूँगी, but I can tell you it comes with a spoolie on one end and this retractable pencil on the other hand. The shade is medium brown, which is perfect for my medium brown hairs. So I cannot apply a straight black pencil on my eyebrows. I need some warm brown tone. This is the perfect tone for me, and the pencil is so much more convenient than a pomade. But I'm fine with pomade also. Now using the pomade, you need something like this, a brush like this. आपको बेगा पैक और बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स का इजीली मिल जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेगा, इट्स अ नाइस ऑप्शन. सो बिफोर ड्राइंग द ब्रोज आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रश माय ब्रो हेयर्स एंड मेक देम स्ट्रेट लाइक दिस. आई एम पिकिंग सम प्रोडक्ट ऑन दिस ब्रश एंड आई एम गोइंग टू जस्ट draw lower most part and the upper most part of my brow like so. Like सबका अपना preference हो. Okay, sorry guys, मेरे camera का memory card जो है completely full हो गया था, so I have to fix that.
इसलिए मैंने फटाफट अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं, अदरवाइज ये ड्राई हो जाती हैं, सो ब्लेंडिंग में इशू होता है। दिस इज द फाइनल लुक, द कलर इज परफेक्ट एंड बोथ इन मीडियम ब्राउन शेड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आईब्रोज अपनी फिल करनी है, यू कैन पिक पोमेड, और अगर आपको बहुत लाइटली और जल्दी ऑब्वियसली आपको ब्रोज अपनी फिक्स करनी है, फिल करनी है, तो पेंसिल इज परफेक्ट फॉर यू। आई लाइक बोथ ऑफ दीज क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है थोड़ा सा ज़्यादा फिल करने का और फेदरी, और स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग द पेंसिल ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज यू कैन जस्ट थ्रो इन योर बैग एंड यू कैन ट्रैवल विदाउट वरिंग अबाउट हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्रश विद यू एंड स्पूली अलॉन्ग विद दैट। सो दिस इज लाइक very 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 good and my favorite products from AOA, plus they are very very inexpensive and easy to work with, so I highly recommend these guys, which is जो अब स्क्रीन पर आपकी आएगा आप उसको देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसको अपनी वैनिटी में सेट कर दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रून दैट थिंग। यू कैन वॉच दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ये एक्चुअली ऑफिस ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर आप अपने पेपर्स और आई थिंक आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह रखने के लिए होगा, आई थिंक सो। बट मुझे एक नेल पॉलिश ऑर्गेनाइज़र चाहिए था बिकॉज मुझे अपने स्टेशन में बहुत ज़्यादा भी डिस्प्ले नहीं करनी है, तो जो थोड़ी बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं प्लस जिनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो नेल पॉलिश मैं यहाँ डिस्प्ले करूँगी। बाकी मैं अपने ड्रॉअर्स में रख दूँगी जो मैं जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करती, बिकॉज अदरवाइज आपका जो मेकअप स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। फॉर्मूला, इन्हें अपना आई शेडो ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है और मैंने यूज़ की है हुदा ब्यूटी की रेट्रोग्रेड पैलेट, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट। और बेसिकली मैंने ये कलर, ये कलर, ये कलर यूज़ किया है और ये वाला कलर, ये चार कलर मैंने यूज़ किए हैं और इसे क्रिएट किया है ये लुक। अब क्योंकि मुझे आपको एक आई पेंसिल शो करनी है जो मैंने रिसेंटली परचेज की है, इसलिए मैं यहाँ से रिज्यूम करूँगी इसको। सो दिस इज़ एन आई पेंसिल फ्रॉम रिमल, इट्स कॉल्ड स्कैंडलाइज 24 आवर्स वेयर वाटरप्रूफ काजल, और इसका शेड है ब्लैक 001। एंड आई मस्ट से दिस इज़ एक्सट्रीमली पिगमेंटेड, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। लाइक अगर आप सो भी जाते हैं तो ये आपकी इधर रिमे स्टे करेगी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं आई पेंसिल चाहती थी जो लास्ट करे और आंखों में स्टिंग भी ना करे, क्योंकि मेरी आईज़ जो हैं बहुत वाटरी हो गई हैं, स्पेशली जब मैं शूटिंग करती हूँ और लाइट्स होती हैं तो मोस्टली आईज़ में से पानी निकलने लगता है और आईलाइनर जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। बट दिस इज़ लाइक वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग। लाइक मैं ख़ुद भी अमेज्ड हूँ कि ये फाइनली मेरे पर वर्क कर रही है। आई एम ग्लैड मैंने ये परचेज़ की है। राइट नाउ आई थिंक दे आर ऑन 20% to 30% ऑफ ऑन नाइका, सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन ऑल्सो। सो लेट्स ट्राई दिस पेंसिल एंड लेट मी शो यू के इनर रिम में कैसी लगती है और कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं थोड़ा सा थिक आईलाइनर लगाऊंगी आज। काफ़ी टाइम से मैं अपनी जो अपर रिम है उस पर भी अप्लाई नहीं कर पा रही थी काजल, क्योंकि वो स्टे ही नहीं करता था। बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू कोट योर अपर रिम लाइक सो एंड दिस इज़ इट। अब मैं थोड़ा सा नीचे आई शेडोज अप्लाई करूँगी इसी पैलेट से जो मैंने ऊपर आई शेडो पिक की, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आई शेडो ओनली टू द आउटर कॉर्नर लाइक सो।
ये एक्चुअली वर्क कर रहा है, डिसेंट है, बट मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लाइक चीपर वन एंड दिस वन, बट लेट्स सी। और इसको यूज़ करके देखती हूँ, स्पेशली जब मैं आई लैशेज और मस्कारा लगाऊंगी, और उसके बाद मैं जज करूंगी फाइनली कि कितनी देर तक मेरी लैशेज कर्ल रहती हैं। सो लेट्स ट्राई दिस मस्कारा फ्रॉम बॉबी ब्राउन। दिस इज़ लाइक अ डिसेंट वन, यू कैन यूज़ एनी मस्कारा यू लाइक। दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल स्टैंडर्ड मस्कारा, एंड आई डोंट रिकमेंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन मस्कारा। आई मीन इट्स योर चॉइस, बट पर्सनली मैं मस्कारा पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करती, क्योंकि ड्रग स्टोर में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड हियर गर्ल, आई कैन सी द लैशेज आर कर्ल्ड रियली वेल। अब बात करते हैं लिपस्टिक के बारे में। एक्चुअली आई हैव थ्री ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। वन इज अ लिप लाइनर, इट्स स्विस ब्यूटी, इट्स अ रियली नाइस न्यूड लिप पेंसिल, वेरी बटरी, और यू कैन फाइंड दिस एट एनी लोकल स्टोर। इट्स अ चाइनीज प्रोडक्ट, बट द लिप कलर एंड द कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी नाइस। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट न्यूड, और मुझे मिला है लाइक 90 rupees ओनली, सो इट्स रियली अफोर्डेबल। बट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग वेल विद माई टू लिप शेड्स विच आई वॉन्ट टू ट्राई इन दिस वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। बट दीज टू शेड्स आर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। एक लिप कलर मैंने परचेज किया है फ्रॉम द सेम सेलर जिससे मैंने ये AOA के आईब्रो प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। दिस वॉज द शेड मेगा लास्ट लिक्विड कैटसूट लिपस्टिक, एंड द शेड इज डेवियन डेंसिल। इट्स लाइक अ डीप ऑबरजीन कलर, एंड दिस वन इज फ्रॉम नायका, एंड द शेड इज कॉल्ड शेडी विच। इट्स लाइक अ डीप ब्लैक कलर, एंड आई होप ये मैट ना हो, थोड़ा सा स्पार्कली हो। एंड लेट मी शेयर यू द लिपस्टिक विच आई ऑलवेज रेव अबाउट ऑन माई इंस्टाग्राम। दिस इज माई फेवरेट ब्लैक लिपस्टिक, विच इज unfortunately a limited edition. This is from Jordana, called Black Pearl Metallic, and this is almost finished. Like literally I have to scrap the bottom in order to apply a coat, so this is not usable anymore, so that's why I bought this one. These lipsticks, isse pehle ki camera mera shut down ho jaye, or I have to wait for the next half an hour, and so I'm going to try this lipstick from the purple one. So the lipstick is also applied, and like any other lipstick from Wet n Wild, the formula is wonderful and very pigmented, and I hope it lasts really long like other. And let's try this shade also. So this is the one purple black. Let's see. Okay, it's black with silver sparkle. So the same formula and the consistency is exactly the same, and this one is black with silver sparkle. Although this one, my favorite one, has some bluish shimmer in it, but I'm still looking for its alternative. So let's wrap up, और finally मैं आपको बता देती हूँ मुझे क्या क्या पसंद आया और क्या क्या नहीं। Let's start with the lipstick. I just love these two lipsticks. The pencil भी मैंने try कर चुकी हूँ all lipsticks के साथ from Swiss Beauty, and I think मैंने shade mention नहीं किया। The shade is called Coco Nude. It's a perfect nude. This is also excellent, the perfect and the biggest hit of this haul, which is Rimmel Scandalize Kajal, must have for me. Sponges, I think one is so much better, और ये बहुत soft है, जबकि ये वाली थोड़ी stiff है और थोड़ी uncomfortable है, so I might not repurchase this one. But this is also nice, और ये 200 की है और I think ये 230 की है, उससे थोड़ी expensive है, so definitely go and check out this one. This once again is one of the best product from AOA. These are great.
ऑलरेडी एक मैंने यूज किया है, दूसरा वीडियो के आई डोंट शो दैट क्लिपिंग, बट दीज आर ग्रेट. दिस इज लाइक अ वेरी आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मेरी वीडियोस शेयर करें, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.